परमात्मा के लाठी में आवाज नहीं होती। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी। मित्रों, सच है कि परमात्मा की लाठी दिखती नहीं, वह देती है और आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। अपने धन यौवन और पद का अहंकार दूसरों को चोट पहुंचाने के कारण बनता है, किंतु जब समय का चक्र हमारी तरफ घूमता है तो हमारा कष्टों का दौर शुरू हो जाता है। हमारे कर्म ही हमें उस लाठी से बचाते हैं। बस कर्म अच्छे होने चाहिए। किसी को भी चोट पहुंचाना, खुद चोट खाने की तैयारी करना है। हमें अपने गलत कामों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। तो मित्रों, चलिए इसको पूरी अच्छी तरह से समझते हैं। उससे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं ज्ञान की जीत पर, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। मित्रों, किसी गांव में एक किसान रहता, जिसके दो पुत्र मोहन और श्याम थे। वे दोनों अपने पिता के साथ खेती करते, बहुत सुखपूर्वक वे अपने जीवन व्यतीत कर रहे। फिर एक दिन वे किसान गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाकर कहा, मेरे बच्चों, अब शायद मेरा समय आ गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहो और सुख शांति से अपनी जिंदगी गुजारो। मैंने बुरे समय के लिए कुछ अश्रुफियाँ इकट्ठी की थी, जिन्हें मैंने घर के पिछवाड़े पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ रखा है। वह अब तुम्हारे काम आएंगी, लेकिन वादा करो कि तुम दोनों केवल आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें निकालोगे। मित्रों, फिर दोनों भाइयों ने वादा किया कि पिताजी, हम वैसा ही करेंगे जैसा आप चाहते हैं। इतना कहते ही वह बूढ़ा किसान अपने प्राण त्याग देता है। मित्रों, फिर कुछ समय बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि बड़े भाई मोहन को अपने पिता की मृत्यु का जरा भी दुख ना था। उसे हमेशा उसकी आंखों के सामने तो बस वह अश्रफियां ही घूम रही थी। फिर उसी रात उसे नींद नहीं आई और वह बार बार करवट बदलता रहा। आधी रात के बाद वह उठ बैठा और सोचने लगा, मुझे श्याम के जागने से पहले अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना यह मौका फिर नहीं मिलेगा। यह सोचकर उसने अपनी कुदाल उठाई और घर के पिछवाड़े पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया, जहां अशरफियां गड़ी हुई थीं। कुछ ही देर में उसने जमीन खोदकर अशरफियां निकाल ली। अशरफियां देखकर मोहन बहुत खुश हुआ और बोला, अब मुझे जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। फिर उसने उन अशरफियों को एक दूसरे पेड़ के नीचे गाड़ दिया और जाकर अपने स्थान पर सो गया। इधर जब सुबह श्याम जागा तो उसने देखा कि घर के पिछवाड़े पीपल के पेड़ के नीचे जमीन खुदी हुई है और अशरफियां गायब हैं। फिर वह बड़े भाई मोहन को जगाते हुए बोला, भैया जल्दी उठो, गजब हो गया, किसी ने हमारी सारी अशरफियां चुरा ली हैं। फिर दोस्तों, मोहन ने बोला, क्या कह रहे हो, चलो मैं देखता हूँ। मित्रों, वे दोनों भाई उस स्थान पर गया और सच में वहाँ की जमीन खुदी हुई पाई। श्याम ने कहा, अब क्या करें भैया, मेरे विचार से हमें कोतावली में जाकर इसकी सूचना देनी चाहिए। तब मोहन बोला, रुको श्याम, कोतवाली जाने की कोई जरूरत नहीं। फिर श्याम ने हैरान होकर पूछा, क्यों भैया? तब मोहन ने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि चोर कौन है। फिर श्याम ने चौंकते हुए पूछा, क्या आप जानते हैं वह कौन है? फिर मोहन ने गंभीर स्वर में कहा, चोर तुम ही हो श्याम। फिर यह सुनकर श्याम ने हैरान होकर कहा, भैया आप क्या कह रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया। मोहन ने क्रोध में कहा कि तुम ही चोर हो और अब बहाने मत बनाओ। इन अशरफियों के बारे में तुम्हारे और मेरे सिवा और कोई नहीं जानता था, इसीलिए अब यह साफ है कि तुम ही चोर हो और सारी अशरफियां हड़पना चाहते हो। फिर श्याम ने यह सुनकर कहा, आप ऐसा मत कहिए भैया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई अशरफियां नहीं चुराई, मुझे कुछ नहीं पता।
फिर मोहन ने कठोरता से कहा, या तो तुम मुझे वह अशक्य लौटा दो या तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद समझो। मित्रों, तब श्याम उदास होकर बोला, ठीक है भैया, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो मैं इस घर की नहीं बल्कि इस गांव को भी छोड़कर चला जाऊंगा। मित्रों, फिर दुखी मन से श्याम तुरंत ही वहां से चल पड़ा और वह सोचने लगा, सच्चाई जाने बिना ही बड़े भैया ने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया। अब बदनाम होने से अच्छा है कि मैं यह गांव ही छोड़ दूं। वहीं दूसरी ओर मोहन आराम से बैठा सोच रहा था, वह कितनी आसानी से यह काटा निकल गया, अब सारी अशरफियां मेरी हो गई। मित्रों, श्याम दुखी मन से लगातार चलता जा रहा था। उसके मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। एक विचार यह भी आया, कहीं भैया ने सारा धन हड़पने के लिए कोई चाल तो नहीं चली। वह इन्हीं विचारों में मगन होकर चलता जा रहा था कि अचानक वह एक बड़ी चट्टान के पास पहुंच गया। अब रात हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरा छा गया था। फिर उलझन में श्याम ने तभी उसने कुछ आवाजें सुनी, यह 4000 तुम्हारे और यह 4000 मेरे। तब वह सोचने लगा, यह कैसी आवाजें हैं। फिर सच्चाई जानने के लिए वह चट्टानों के नीचे झुका। तब उसने देखा कि दो आदमी वहां थे और वे धन का बंटवारा कर रहे थे। फिर श्याम को समझते देर ना लगी कि ये दोनों चोर हैं और चोरी का माल बांट रहे हैं। मित्रों, फिर अचानक श्याम का पैर फिसल गया और वह सीधे उन चोरों के बीच जा गिरा, जिससे अंधेरे के कारण चोरों को कुछ दिखाई नहीं दिया और वे डर गए। वे भागते भागते बोले, भागो भागो, लगता है यह राजा को कोई गुप्तचर है। फिर डरते हुए चोरी का माल वहीं छोड़कर भाग गए। मित्रों, फिर जब श्याम की नजर उन अशरफियों पर पड़ी तो वह मन ही मन खुश हो गया। लेकिन तभी उसके मन में दूसरा विचार आया, ये स्वर्ण मुद्राएं चोरी की हैं, इन्हें साथ ले जाना ठीक नहीं होगा, इन्हें यही गाड़ देता हूँ और जरूरत पड़ने पर ले जाऊंगा। यही सोचकर श्याम ने वह सारी मुद्राएं एक पेड़ के नीचे गाड़ दी और रात वहीं बिता ली। फिर सुबह होते हुए अपने रास्ते पर चल पड़ा। मित्रों, दोपहर होते होते वह जंगल से गुजर रहा था कि अचानक कुछ लुटेरों ने उसे घेर लिया। लुटेरों का सरदार बोला, खबरदार, जो कुछ भी तेरे पास है निकाल दे, नहीं तो जान से मार देंगे। फिर श्याम बोला, भाइयों, मैं खुद ही मुसीबत में हूँ, मेरे पास धन कहाँ से आएगा। फिर सरदार गुस्से में चिल्लाया, झूठ बोलता है, तलाशी लो। फिर तलाशी लेने पर जब लुटेरों को कुछ नहीं मिला तो सरदार ने कहा, अगर इसके पास पैसे नहीं है तो भी यह हमारे काम आएगा, इसे अड्डे पर ले चलो, देवी माँ को इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। यह सुनते ही श्याम के होश उड़ गए। फिर लुटेरे उसे उठाकर अपने अड्डे पर ले गए। तब वहाँ पहुँचते पहुँचते श्याम को एक उपाय सूझ गया। अड्डे पर पहुँचने के बाद उसने सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लो तो मैं तुम्हें 8000 स्वर्ण मुद्राओं का पता बता सकता हूँ। तब सरदार बोला, क्या कहा, 8000 स्वर्ण मुद्राएं? अगर तुम सच कह रहे हो तो हम तुम्हारी शर्त मानते हैं, जल्दी से बताओ वो स्वर्ण मुद्राएं कहाँ हैं। फिर श्याम ने कहा, भाई, अभी रात हो रही है, इस समय वहां जाना ठीक नहीं होगा, कल सुबह होते ही मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। मित्र, तब सरदार बोला, ठीक है, लेकिन खबरदार, अगर कोई चालाकी की तो अंजाम बुरा हो सकता है। तब श्याम ने कहा, निश्चिंत रहो सरदार, मैं धोखा नहीं दूंगा। फिर अगली सुबह श्याम लुटेरों को उसी जगह ले गया जहां उसने वह स्वर्ण मुद्राएं गाड़ रखी थी। सरदार के आदेश अनुसार लुटेरों ने उस जगह को खोदा और जल्द ही स्वर्ण मुद्राएं उनके सामने थी। तब स्वर्ण मुद्राओं को देख कर सभी बहुत खुश हो गए और उन्होंने मुद्राओं को अपनी थैलियों में भरा और अड्डे की ओर चल पड़े। मित्रों, लेकिन श्याम के मन में दूसरी योजना चल रही थी। वह सोच रहा था, यह मुद्राएं मेरे काम आ गई, लेकिन मैं जल्द ही इनकी मौत का कारण बनूंगा। उस घटना के बाद श्याम लुटेरों के गिरोह में शामिल हो गया
और सरदार का सबसे विश्वसनीय आदमी बन गया। फिर कुछ समय बाद श्याम ने उन लुटेरों के सरदार से कहा, सरदार मैं एक सप्ताह के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ। मेरी बूढ़ी माँ घर पर हैं और मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। मित्रों, सरदार श्याम की योजना से पूरी तरह अनजान था। वह श्याम को अपने सबसे विश्वास पात्र आदमी मानता था, इसलिए उसने श्याम को एक सप्ताह के लिए घर जाने की अनुमति दे दी। श्याम अपने घर जाने के लिए रवाना हो गया, लेकिन वह अपने घर न जाकर राजा के महल की ओर चल पड़ा। मित्रों, और राजमहल के महाराज सबसे पहले ही उस डाकू जहांगीरा के आतंक से बहुत परेशान थे। उन्होंने अपने महामंत्री से कहा, मंत्री जी, आखिर वह डाकू कब पकड़ पाएगा? पूरा देश उसके आतंक से त्रस्त हो रहा है। मंत्री जी बोले, महाराज मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, वह आतंक जल्द ही आपकी कैद में होगा। उसी समय एक पहरेदार आया और बोला, महाराज की जय हो। महाराज, एक व्यक्ति आपसे डाकू जहांगीरा के बारे में मिलने आया है। फिर मित्रों, महाराज ने कहा, अच्छा तो उसे तुरंत यहाँ लेकर आओ। कुछ समय बाद पहरेदार श्याम को राजा के सामने लेकर आए और श्याम ने कहा, महाराज मेरा प्रणाम है आपको, मेरा नाम श्याम है। फिर राजा ने पूछा, कहो नौजवान, तुम जहांगीरा के बारे में क्या जानते हो? तब श्याम ने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। तब महामंत्री ने गुस्से से कहा, दुष्ट, क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ राजा के सम्मानित और विश्वास पात्र व्यक्ति उपस्थित हैं? जो कुछ भी कहना है सबके सामने कहो। तब राजा ने हाथ उठाकर महामंत्री को रोकते हुए कहा, ठहरो महामंत्री जी, यदि यह हमसे एकांत में बात करना चाहता है तो हम इसके एकांत में ही बात करेंगे। आप लोग यहाँ से जाइए। मित्रों, तब जब सभी लोग चले गए तो श्याम ने राजा को अकेले में पूरी कहानी सुनाई और फिर कहा, महाराज इस प्रकार से उस डाकू का विश्वास पात्र मैं बन चुका हूँ। अब मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। उसे आप उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मित्रों, यह सुनकर राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस में मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। उन भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए मैं तैयार हूँ, बताओ क्या करना होगा? तब श्याम बोला, महाराज परसों रात को आप कम से कम अपने 700 सिपाहियों को मेरे साथ भेजी, मैं उन सभी को उन डाकुओं के अड्डे पर ले जाऊंगा, जहां पर वे सैनिक उन डाकुओं पर आक्रमण कर देंगे और उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मित्रों, फिर राजा बोला, बिल्कुल ठीक नौजवान, तुम्हारी सलाह बिल्कुल उचित है, हम परसों रात को हमारे सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजेंगे। तब तक तुम यही राजमहल में हमारे मेहमान बनकर रहो। मित्रों, फिर उसके दो दिन बाद श्याम अपनी योजना के अनुसार सैनिकों को लेकर डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया और सैनिकों की टुकड़ी ने उन डाकुओं पर आक्रमण कर दिया और कुछ ही समय में सैनिकों ने उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और उनमें से कुछ डाकू मारे भी गए और जो बचे हुए थे उनको महाराज के सामने पेश किया गया। मित्रों, वहां पर श्याम को देखते ही डाकुओं का सरदार मन ही मन सोचने लगा, उफ, कितना बड़ा धोखा हो गया, इस श्याम ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मित्रों, फिर अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और मंत्री से विचार विमर्श करने के बाद राजा ने उन सभी डाकुओं को एक ही सजा, जो मौत का सजा सुनाई। मित्रों, फिर राजा को बोले, सैनिकों अब तुम इन्हें ले जाओ और अगली अमावस्या के दिन इन्हें फांसी पर लटका देना। मित्रों, के बाद राजा ने कहा, श्याम तुम्हारी बहादुरी से हम बहुत प्रसन्न हैं, आज से हम तुम्हें अपना सेना नियुक्त करती हैं। मित्रों, श्याम ने यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, आपने मुझे देश की सेवा करने के लायक समझा। मित्रों, उधर दूसरी तरफ श्याम का बड़ा भाई मोहन अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था, जो उसे जुआ खेलने की बुरी लत लग चुकी थी। उसने अपने पिता की मेहनत की कमाई को बर्बाद कर दिया
और अब उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। पूरे गांव में उसकी बदनामी फैल चुकी थी और उसे कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था। अतः उसने सोचा कि भूख से मरने से बेहतर है कि वह किसी और गांव में जाकर काम ढूंढे। वह कई जगह भटकते हुए उसी राज्य में आ गया जहां उसका छोटा भाई श्याम सेनापति था। मित्रों, मोहन काम की तलाश में एक सेठ के पास पहुंचा और पूछा, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? तब सेठ ने उसे सख्ती नजर से देखा और कहा, तुम्हारी शक्ल से ही लगता है कि तुम चोर हो, कोई तुम्हें काम क्यों देगा, जाओ यहाँ से। मित्रों, तब मोहन निराश हो गया और सोचने लगा कि ईमानदारी से तो उसे काम नहीं मिलेगा, इसे दिया पेट भरने के लिए चोरी ही करनी पड़ेगी। तभी उसकी नजर सेठ के पास रखी हुई एक थैली पर पड़ी जिससे उसे लगा कि इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं और उसने मौका पाकर थैली चुरा ली और भाग निकला। फिर सेठ ने जोर शोर से शोर मचा दिया, अरे चोर चोर, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। इधर श्याम अपनी ईमानदारी और बहादुरी के लिए मशहूर हो चुका था। फिर एक दिन महाराज ने उसे बुलाकर कहा, श्याम, तुम बहुत ही नेक और बुद्धिमान हो, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी शकुंतला से तुम्हारा ब्याह हो जाए। मित्रों, तब श्याम ने विनम्रता से कहा, महाराज, यदि यही आपकी इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। फिर कुछ दिनों बाद श्याम और शकुंतला का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। मित्रों, विवाह के कुछ समय बाद महाराज ने राजकीय बागडोर श्याम को सौंप दी और स्वयं तीर्थ यात्रा पर निकल गए। मित्रों, फिर कुछ महीनों बाद श्याम के सामने एक बड़ी समस्या आई। उसका अपना भाई मोहन, जो अब एक नामी चोर बन चुका था, राज खजाने को लूटने की योजना बना रहा था। एक रात जब मोहन रस्सी के सहारे महल की दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी राजा श्याम ने उसे देख लिया, जिससे उन्होंने तुरंत सैनिकों को बुलाया और मोहन को पकड़ का लिया। मित्रों, जब श्याम ने अपने भाई को देखा तो वह बहुत दुखी हुआ और बोला, मोहन, मैं कभी सोच नहीं सकता कि तुम इतने बड़े चोर बन जाओगे, तुम्हें कल दरबार में पेश किया जाएगा। फिर अगले दिन दरबार में श्याम ने मोहन से कहा, तुम्हारे ऊपर चोरी के सभी आरोप साबित हो चुके हैं, तुम्हें कुछ कहना है? मित्रों, मोहन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे ऐसी सजा दीजिए कि कोई और कभी चोरी करने का साहस ना करे। फिर श्याम ने निर्णय सुनाया, इस चोर को एक हाथ और एक पैर काट कर इसे राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। फिर इस फैसले से पूरी प्रजा और मंत्रीगढ़ श्याम की जय जयकार करने लगे। राजा का आदेश पूरा किया गया और मोहन को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। मित्रों, जब मोहन राज की सीमा पर कर रहा था तो सामने श्याम आ गया। तो मोहन ने दुखी होकर कहा, काश तुमने मुझे मौत की सजा दी होती, ऐसा करके तुमने मुझे तड़पने के लिए छोड़ दिया है। मित्रों, फिर श्याम ने भावुक होकर कहा, मैं यहाँ एक राजा नहीं बल्कि तुम्हारा छोटा भाई बनकर आया हूँ। मैंने एक राजा होने के नाते अपने धर्म का पालन किया और अब एक भाई होने के नाते अपना कर्तव्य निभाने आया हूँ। उन्होंने मोहन को एक थैली दी जिसमें स्वर्ण मुद्राएं थी और कहा, इससे तुम दूसरे देश में अपनी जिंदगी आराम से बिता सकते हो। मित्रों, तब मोहन की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, तुम बहुत महान हो श्याम, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। मित्रों, फिर दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया और भारी मन से विदा ली। मित्रों, मोहन को फिर उस देश में किसी ने नहीं देखा और श्याम अपने राज्य का पालन करते हुए सुखमय जीवन बिताने लगा। तो मित्रों, इस प्रकार उसका शिक्षा प्रद कहानी हमारी समाप्त हुई। मित्रों, तो हाँ, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे और नमस्कार।